नमस्कार, इस समय हम मौजूद है शीतल नगर में और जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज चुका और इसके वो जैसे ही प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने निकाली है उसके चलते आज शीतल नगर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है ठाकुर दर्शन जी, जिनको भाजपा ने यहाँ का बसोली का उम्मीदवार खड़ा किया है। इनसे बातचीत करते हैं और कितने खुश हैं यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं चारों ओर सुबह से दो नगाड़ों के साथ पूरे शीतल नगर में जो गूंज उठे और जहाँ नहीं बसोली में भी महानपुर में हर जगह पे इस समय जो है खुशी का माहौल है कि ठाकुर दर्शन सिंह को टिकट मिली है। और इसी के चलते दर्शन जी हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं कि वाकई में इनको कैसा लग रहा है, इस समय कितनी खुशी महसूस हो रही है। दर्शन जी सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहते हो, कितनी खुशी मिल रही है आपको? धन्यवाद जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप मीडिया बंधुओं को सभी का। जैसा कि अभी हाल ही में सूची जारी हुई है और जिसमें बसोली विधानसभा से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी का, अशोक कुल जी का, हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और हमारे जितना भी संगठन है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और इतना बड़ी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इस समय हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास और इतना बड़ा भरोसा जताया है, एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बसोली विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं आपके माध्यम से मेरे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारा संगठन है, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ये जो आज घोषणा हुई है, ये घोषणा हमारे जो पूरी बसोली विधानसभा के जितने भी हमारे लोग हैं उनकी आज मनोकामना पूरी हुई है, क्योंकि सभी लोगों की मन की इच्छा थी कि हमारा कोई लोकल कैंडिडेट आए और उनका मेरे प्रति हमारे लोगों का बहुत स्नेह और प्यार था। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हम सब हमारे लोगों की जो है वो इच्छा को पूरा किया है। मैं दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और उनको ये विश्वास भी दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भाई दर्शन सिंह जी, भाई दर्शन सिंह जी, मैं अपने जितनी भी मेरी बसोली की जनता है, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, इनकी तरफ से मैं पार्टी को आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि जो बसोली विधानसभा की सीट है ये तो बहुत बहुमत से जीतेंगे ही जीतेंगे। इसके साथ में जो हमारा पहाड़ी जिला है, बनी, बिलावर, बसोली, तीनों सीटें हम भारी बहुमत से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और इसके साथ ही हमने देखा कि जैसे आपकी टिकट की ये घोषणा हुई है और सोशल मीडिया पे हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे जो जहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं या हैदराबाद में, बंगलोर, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है, तो क्या दर्शन जी हम क्या उम्मीद करेंगे कि जब आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, क्या इन लोगों की उम्मीदों पर उतरेंगे? ये जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो आज पार्टी ने जो घोषणा की है मेरे नाम की, ये मेरे को टिकट नहीं दी है, ये बसोली विधानसभा के एक बच्चे बच्चे को, एक एक कार्यकर्ता को, हमारे जितने भी शक्ति केंद्र हैं, बूथ प्रेसिडेंट हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी जिले की टीम है, हमारे जितने नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, ये टिकट उन्होंने उनको दी है। सब लोगों का इतना इच्छा थी कि भाई हमारा कोई अपना लोकल कैंडिडेट आए, क्योंकि आपने देखा होगा आज तक जितना इतिहास रहा है बाहर के ही कैंडिडेट हमारे इलाके में शुरू से विधायक वहां बनते आए हैं। इस बार पार्टी ने एक लोकल कैंडिडेट पे मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं जनता के लिए जितना होगा, मैं एक नेता नहीं एक बेटा बन के सेवा करूंगा और जितने भी मेरे लोग हैं उनकी समस्या मेरी समस्या रहेगी। और जहाँ पर इनके साथ और भी लोग हैं, बहुत सारे वर्कर हैं, काफी खुशी का माहौल है और हमारे साथ ये लोकल वर्मा जी साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आपको कैसा महसूस है जब से इनका नाम घोषित हुआ है पार्टी ने घोषित किया, काफी ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ खुशियां मनाई जा रही है, आप क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद गुरमेल जी, मैं प्रवक्ता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी जिला सतीश वर्मा, सारे पहले तो दिल की गहराई करने अभी पार्टी का शुक्र अदा करने के असें मौका मिले, टिकट भाई दर्शन मिली और डिजर्व करते हैं, जी जीत है पार्टी की 200% पक्की हुई है। अगर भाई आने कहते इस इलाके के इन्ना इनका प्यार मुहब्बत लोगों ने, इन्ना लोगों के इनका सलूक है कि टिकट जी मिलने कहना जी सीट है वो 200% पक्की। हाँ, सारी कोशिश रहेगा कि ये जरा सीट है ये कम से कम भी असी 80% वोट लेइए, इस सीट के असी कामयाब करिए, 80% वोट लेइए, सीट जी है बीजेपी झोली पाई है और सारी कोशिश रहेगा कि जम्मू कश्मीर के बिच सारा हाँ ज्यादा बहुमत करना जी कोई सीट निकलग वो ठाकुर दर्शन सिंह और निकलग। तो पार्टियां धन्यवाद,
लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता की आवाज ही, जनता की सोच ही, आवाज ही के ठाकुर दर्शन सिंह जी की टिकट हो है, ताकि पार्टी का कोई मुश्किल नहीं हुआ सीट कटने जाए जी। धन्यवाद जी। और इसमें दर्शन जी और काफी खुशी का माहौल आप देख सकते हैं चारों ओर, सुबह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग जहाँ खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तो इसके साथ मैं था गर्मेश सिंह, मेरे साथ कैमरामैन रूप सिंह, धन्यवाद। की आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपकी बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।